पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद भी नहीं थम रही हिंसा, हुगली बीजेपी के विजय रैली पर बम से हमला। छह ब्लास्ट के बाद धुआं धुआं हुआ इलाका, बीजेपी ने लगाया टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप। टीएमसी कार्यकर्ताओं का बीजेपी पर आरोप, जीत के बाद इलाके में माहौल खराब कर रही है बीजेपी। हुगली के बालीपुर बाजार में हुई हिंसा, दुकानदारों में दहशत। तनाव के बीच इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। पश्चिम बंगाल में जय श्रीराम पर बीजेपी टीएमसी में कोहराम जारी, 24 परगना में झड़प में 6 बीजेपी कार्यकर्ताओं की पिटाई। टीएमसी नेता विधान विश्वास और उनके समर्थकों पर लगा बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीटने का आरोप। टीएमसी की गुंडागर्दी पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया निमाता पुलिस चौकी पर प्रदर्शन, जमकर की नारेबाजी। ममता ने उत्तर 24 परगना के नौहाटी में टीएमसी दफ्तर पर दोबारा जमाया कब्जा, रैली के बाद खुद कब्जा जमाने पहुंची। ममता ने अपने सामने तुड़वाए ताले, दीवार पर अपनी पार्टी का चिन्ह पेंट किया, पार्टी का नाम भी लिखा। ममता के निर्देश पर भगवा रंग और कमल का निशान हटाया, पार्टी दफ्तर पर पोती गई सफेदी। ममता बनर्जी की अध्यक्षता में आज दोपहर टीएमसी कोर कमेटी की बैठक, लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन पर होगी चर्चा। जय श्री राम विवाद में बीजेपी पर ममता का पलटवार, कहा मुझे किसी नारे से दिक्कत नहीं, बीजेपी ने धार्मिक नारे को बनाया पार्टी का नारा। फेसबुक पोस्ट में ममता ने कहा धर्म और राजनीति में घालमेल कर रही है बीजेपी, देश की जनता मजबूती से दे इसका जवाब। बीजेपी पर टीएमसी विधायक और आसनसोल के मेयर जितेंद्र तिवारी का हमला, कहा जय श्री राम के नारे लगवाने के लिए युवाओं को पैसे दे रही है बीजेपी। आंतरिक सुरक्षा को लेकर गृह मंत्रालय की अहम बैठक, अमित शाह की अगुवाई में मीटिंग। बैठक में एनएसए अजीत डोभाल, आईबी चीफ, रॉ चीफ, गृह सचिव सहित गृह मंत्रालय के अधिकारी मौजूद। बतौर रक्षा मंत्री आज जम्मू कश्मीर के पहले दौरे पर राजनाथ सिंह दुनिया के सबसे ऊंचे रण क्षेत्र सियाचिन पहुंचे। कश्मीर घाटी में एक स्थानीय आतंकियों ढेर, शोपिया में चित्रगाम में मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने मार गिराया। घात लगाकर बैठे आतंकियों ने सेना के काफिले को बनाया निशाना, जवाबी गोलीबारी में ढेर हुए दोनों आतंकी। राम मंदिर मुद्दे पर अगली रणनीति तय करने के लिए अयोध्या में आज साधु संतों की बैठक, राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के जन्मदिन पर जुटेंगे संत। 7 से 15 जून के बीच मनेगा जन्मदिन का जश्न, 15 जून के बाद राम मंदिर मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी। बैठक में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद समेत राम मंदिर से जुड़े साधु संतों को बुलाया गया, शाम 5 बजे होगी बैठक। संतों की बैठक पर बोले बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी, ऐसी बैठक का कोई मतलब नहीं। दिल्ली में नगर निगम और 7 लोकसभा सीटों पर जीत के बाद बीजेपी की नजर 2020 के विधानसभा चुनाव पर, पार्टी ने 60 सीटें जीतने का रखा लक्ष्य। सीएम केजरीवाल का चुनावी प्लान, दिल्ली मेट्रो और डीटीसी में महिलाओं को मुफ्त सफर का ऐलान कर सकते हैं। दिल्ली मेट्रो और डीटीसी को महिलाओं के लिए मुफ्त करने पर 1200 करोड़ रुपए की क्षति का अनुमान, दिल्ली सरकार कर सकती है इसकी भरपाई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन साइकिल से पहुंचे मंत्रालय, संभाला पदभार। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद आज संभालेंगे मंत्रालय का कार्यभार, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी विभाग का लेंगे चार्ज। स्मृति ईरानी और नितिन गडकरी भी अपने अपने मंत्रालयों का आज संभालेंगे कामकाज। रॉबर्ट वाड्रा के विदेश जाने की अपील पर दिल्ली की अदालत ने सुनवाई, इलाज के लिए जाना चाहते हैं विदेश। मंगलवार को ईडी ने वाड्रा को किया है तलब, पिछले हफ्ते खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर पूछताछ में शामिल नहीं हुए थे। महाराष्ट्र के आईएएस अधिकारी निधि चौधरी की बड़ी मुश्किल, एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने सीएम फडणवीस से की सबक सिखाने वाली कार्रवाई की मांग। निधि चौधरी ने महात्मा गांधी पर किया था विवादित ट्वीट, नोटों से तस्वीर और मूर्ति हटाने की मांग थी, गौडसे को कहा था थैंक यू। भाषा विवाद में कूदे कर्नाटक के सीएम कुमारस्वामी, कहा एचआरडी विभाग की 3 भाषा की नीति, हिंदी तोपने की कवायद। बिहार में एक साथ तीनों अहम दलों ने दी इफ्तार पार्टी, बीजेपी जेडीयू और आरजेडी की तरफ से दावा। पटना में बीजेपी की इफ्तार पार्टी में शामिल हुए कई जाने माने नेता, शरवाज ने कहा मोदी पर मुस्लिम समुदाय अब शत प्रतिशत करेगा भरोसा। जेडीयू की तरफ से हज भवन में नीतीश कुमार ने दी इफ्तार पार्टी, कहा बिहार की खुशहाली के लिए मांगे दुआ। जेडीयू की इफ्तार पार्टी में आए जीतन राम मांझी आरजेडी की दावत में हुए शामिल। राबड़ी देवी के घर पर आरजेडी की इफ्तार पार्टी में नहीं दिखे तेजस्वी, तेज प्रताप नजर आए, महागठबंधन के तमाम नेता रहे मौजूद। चमोली और अल्मोड़ा में कुदरत का कहर, दोनों इलाकों में बादल फटने से एक व्यक्ति की मौत। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में तेज बारिश के साथ बादल फटने की घटना हुई, तेजी से बहने लगा मलबा, कई मवेशी भी बह गए। एसडीआरएफ और आपदा की टीम मौके पर बचाव के लिए पहुंची, प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का काम जारी।
उत्तराखंड के बागेश्वर में महज एक घंटे की बारिश ने मचाई तबाही, सड़क नाले में तब्दील, उफनते नाले को देख दहशत में लोग। हिमाचल प्रदेश के सोलन के कई इलाकों में रविवार देर शाम जमकर बरसे बादल, ओले भी पड़े, तापमान में गिरावट से लोगों को राहत। विशाखापट्टनम में भी जमकर हुई बारिश, गर्मी से मिली राहत। भीषण गर्मी से बेहाल उत्तर भारत में तापमान, अब और बढ़ने के आसार नहीं, 6 जून को केरल में होगी मॉनसून की एंट्री। बिहार, यूपी, दिल्ली, एनसीआर में पूरब से बहने वाली हवा जोर पकड़ेगी, अब और ऊपर नहीं जाएगा पारा। राजस्थान और मध्य प्रदेश के सिवाय ज्यादातर इलाकों को मिलेगी राहत, नियंत्रण में रहेंगे लू के थपेड़े। दिल्ली वालों को आज गर्मी से मिल सकती है थोड़ी राहत, मौसम विभाग के मुताबिक गरजेंगे बादल, तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट। राजस्थान के झालावाड़ में बदला मौसम, तेज आंधी के साथ बरसे बादल। कोलकाता के न्यू टाउन और सॉल्ट इलाके में बारिश, पानी के सख्त तेज हवाओं से मौसम हुआ सुहाना। बिहार में गया में 44 डिग्री के टॉर्चर के बीच मंदिर में खास इंतजाम, मूंगे की बनी गणेश प्रतिमा में बचाव के लिए गर्भगृह में लगाया गया पंखा। महोबा के चकोटा देवी मंदिर में गर्मी से निजात पाने के लिए यज्ञ, 500 से ज्यादा महिलाओं ने किया सामूहिक हवन पूजन। एमपी के श्योपुर में भीषण गर्मी का कहर, अधिकतम तापमान 44 डिग्री के पार, रविवार सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। ग्रेटर नोएडा की यमुना एक्सप्रेसवे पर गढ़मुक्तेश्वर के विधायक कमल सिंह की दबंगई, टोल कर्मचारियों से की मारपीट। हरियाणा के फतेहाबाद में भैंस का सिर कृषि यंत्र में फंसा, गांव वालों ने 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद यंत्र काटकर बचाई जान। असम के गोलाघाट में कीचड़ से भरे गड्ढे में फंसा हाथी का बच्चा, गांव वालों ने बाहर निकाला। इंदौर में बिजली कटौती से छात्र परेशान, स्ट्रीट लाइट में पढ़ने को मजबूर। यूपी के बांदा में अवैध बालू खदान पर छापेमारी, रेड में 8 ट्रक जब्त। गुजरात में नरोदा के बीजेपी विधायक बलराम थवानी का महिला से मारपीट का वीडियो वायरल, पानी की शिकायत लेकर पहुंची थी, वीडियो सामने आने पर मांगी माफी। बिहार के सिवान में पुलिस कर्मियों ने डॉक्टर को पीटा, महिला कांस्टेबल का पोस्टमार्टम करने से इनकार के बाद की पिटाई। कानपुर में सामूहिक विवाह समारोह में भिड़े दूल्हा और दुल्हन के परिवार वाले, एक दूसरे पर की लात घूंसों की बौछार। अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर झूला बंद हो जाने से ऊपर अटके लोग, बड़े क्रेन की मदद से किया गया रेस्क्यू। ओडिशा के मयूरभंज में मासूमों ने एक जहरीले सांप की जान बचाई, धागों के जाल में फंस गया था। दिल्ली में पकड़ा गया मोबाइल झपटमारों का गैंग, 7 बदमाशों से 311 स्मार्टफोन्स बरामद। दिल्ली में शालीमार बाग के मशहूर गुफा वाले मंदिर में चोरी, सीसीटीवी में कैद वारदात। पटना के पालीगंज में पुलिस पर भड़का कारोबारियों का गुस्सा, बाजार किया बंद। व्यापारियों को मिली थी रंगदारी न देने पर जान से मारने की धमकी, पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप। राजस्थान के मशहूर डांसर हरीश समेत 4 लोगों की सड़क हादसे में मौत, जोधपुर के कापरड़ा गांव में हुआ हादसा। ग्रेटर नोएडा में छात्र को पिस्टल लोड करना सिखा रहा कोचिंग संचालक और छात्र गिरफ्तार, वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में आई पुलिस। मेरठ जिले के सरधना तहसील में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, 6 से ज्यादा जख्मी। मुरादाबाद धर्मांतरण की कथित घटना पर बजरंग दल का हंगामा, एक ईसाई परिवार पर हिंदू महिलाओं के धर्मांतरण का आरोप। मुजफ्फरनगर के सिखेड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 शातिर बदमाश हथियार समेत गिरफ्तार। अमृतसर के कुढ़ावाला में बाइक सवारों से 2 हरगोले बरामद, लेकिन पुलिस की गिरफ्त से भाग निकले संदिग्ध। झांसी के नवाबाद इलाके में आग से बाल बाल बचा एक परिवार, दमकल कर्मियों ने तीसरी मंजिल से किया रेस्क्यू। अलीगढ़ के अतरौली में हॉरर किलिंग का खुलासा, नाबालिग युवती के पिता और भाई ने की हत्या। केरल के कोट्टयम जिले में नाबालिग के यौन उत्पीड़न का आरोपी मदरसा टीचर गिरफ्तार, कई बच्चों के उत्पीड़न का शक। जलपाईगुड़ी के लतागुड़ी इलाके में नेशनल हाईवे के बंगले में लगी आग, NH9 डिवीजन के एक स्टाफ की मौत, दूसरा जख्मी। धौलपुर की चंबल नदी में मगरमच्छों के हमले में 1 की मौत, 1 जख्मी। लॉर्ड्स में सजा आज तक का मंच, सलाम क्रिकेट में जुटे 11 दिग्गज, सुनील गावस्कर, शेन वॉन, माइकल क्लार्क और हरभजन सिंह ने टीम इंडिया को बताया मजबूत दावेदार। फिल्म 83 की टीम ने सलाम क्रिकेट के मंच पर मचाया धमाल, रणवीर सिंह ने हरभजन और मिसबाह के साथ मिलकर चुनी वर्ल्ड कप 11। लॉर्ड्स में फैंटेसी लीग आज तक 11 की शानदार लॉन्चिंग, ऑनलाइन गेमिंग में तहलका मचाने के लिए आ रहा है नया ऐप। आज तक के सलाम क्रिकेट में बोले सचिन तेंदुलकर, कहा लॉर्ड्स में आने से ताजा हो गई पुरानी यादें। वसीम अकरम के साथ बातचीत में शामिल हुए सचिन, अकरम को बताया अपने समय का महान गेंदबाज। सलाम क्रिकेट में बोले सुनील गावस्कर, का सेमीफाइनल तक भारत की राह आसान। हरभजन ने की पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत की भविष्यवाणी, लेकिन कहा भारत पर होगा दबाव। माइकल क्लार्क ने ऑस्ट्रेलिया को बताया वर्ल्ड कप का प्रबल दावेदार, बोले बुमराह हो सकते हैं सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज। पाकिस्तान में मिसबाह उल हक ने भारत इंग्लैंड को बताया वर्ल्ड कप का दावेदार, कहा कोहली की टीम बेहतरीन।
सलाम क्रिकेट में भारतीय ऑफ स्पिनर अश्विन की भविष्यवाणी, भारत इंग्लैंड में होगा वर्ल्ड कप फाइनल। वर्ल्ड कप में बड़ा उलटफेर, पांचवें मैच में बांग्लादेश ने दक्षिण अफ्रीका को 21 रन से दी मात। जीत के लिए बांग्लादेश ने दिया था 331 रनों का लक्ष्य, 8 विकेट पर 300 रन ही बना पाई दक्षिण अफ्रीका। बांग्लादेश के मुशफिकुर रहमान ने खेली 78 रन की पारी, शाकिब उल हसन ने बनाए 75 रन। प्रैक्टिस के दौरान विराट को लगी दाएं हाथ के अंगूठे में चोट, टीम मैनेजमेंट का दावा, विराट फिट, पहले मैच के लिए हैं तैयार। फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे रॉजर फेडरर, लियोनार्डो मायर को सीधे सेट्स में हराया। चीन के झांगझाऊ में डांस प्रतियोगिता के पहले हादसा, एक साथ कई लड़कियों के आने से स्टेज गिरा धड़ाम, मौजूद थी 35 लड़कियां स्टेज पर, हादसे में एक लड़की की मौत, 14 गंभीर रूप से घायल। कई राज्यों में भारी तूफान और बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, तूफान पर मिसिसिपी नदी। इसराइल ने सीरिया के दक्षिण क्षेत्र गुलान स्थित सैन्य ठिकानों पर किया रॉकेट से हमला, 3 सीरियाई सैनिकों की मौत। हंगरी की राजधानी बुदापेस्ट में डेन्यूब नदी में हादसा, नाव डूबने से 7 की मौत, 21 लापता। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।